हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 03 हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन का यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में टोटल कितने लेसन्स हैं, कौन कौन से टॉपिक इन लेसन के बेस पर बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस उन टॉपिक के बेसिस पे पुटअप किए जा सकते हैं, और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या हो सकता है। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है इस वीडियो का, अब देखो आपके पास टाइम कम है कि आप पूरा प्रिपेयर पूरा सिलेबस कवर कर सको, ठीक है। आपको नॉर्मली क्या करोगे, आप ये माइंड में सेट करके चलोगे कि कोई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, कहीं से हमें नोट्स मिले और मैं उसको पढ़कर पास हो जाऊं, ठीक है। तो इस वीडियो से बेनिफिट क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर में जाओगे, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको पढ़ोगे और नंबर ऑफ चांसेस ये रहेंगे कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आए, ठीक है। उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लेसन इंपॉर्टेंट है और ये लेसन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इजिली कवर कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एमए हिस्ट्री MHI 03 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे दीन अब चैनल के अंदर में एक लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो डली हुई है, सारे ऑलमोस्ट सभी सिलेबस की डली हुई है, सभी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की डली हुई है एमए हिस्ट्री की। तो उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और ऑलमोस्ट आप अपना सिलेबस 90% कवर कर सकते हो। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3, पूर्व आधुनिक परंपराएं, सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं, टोटल 4 लेसन है। पहला लेसन आता है हमारा लेसन नंबर 8, मध्यकालीन इतिहास लेखन और पश्चिम। मध्यकालीन इतिहास लेखन पश्चिम, मतलब पश्चिम के अंदर में मध्यकालीन इतिहास लेखन किस प्रकार का था। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं रहता इस यूनिट के अंदर में, कुछ खास चैप्टर आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, कुछ खास क्वेश्चंस आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, पर नॉर्मली इसके अंदर में क्वेश्चन क्या बनता है कि मध्यकालीन यूरोप के अंदर में इतिहास लेखन किस प्रकार का था। कुछ ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं 5 साल के अंदर में पुटअप करते हुए, पर फिर भी अगर हम पढ़ के चले तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, मध्यकालीन यूरोप के अंदर में, यूरोप पश्चिम की बात कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहा है, तो पश्चिम के अंदर में किस तरह का इतिहास लेखन था उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर में धार्मिक आधार पर और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आप बताओगे। देखो वहां पे एक चीज तो ये रहता है कि जब पुनर्जागरण की शुरुआत होने से पहले जो भी इतिहास लेखन हुआ वो धार्मिक आधार पर लिखा गया, जिसमें भगवान को प्रमुख केंद्र बिंदु मानकर चला गया, ठीक है, कि भगवान ने ये चीज़ें किया, कुछ भी हुआ तो भगवान ने किया। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जब पुनः जागरण की शुरुआत हो जाती है, इनलाइटमेंट की शुरुआत हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या हो जाता है कि जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसके अंदर मनुष्य को श्रेष्ठ मानकर के मनुष्य द्वारा किया गया मानवतावाद को जगह देते हुए लिखी जाती है। तो आप यूरोपीय इतिहास लेखन किस प्रकार का है वो आप पढ़ सकते हो और दोनों को यहाँ पर रोल प्लेस करते हुए आप आंसर लिख सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं अगले चैप्टर की ओर बढ़ूँ, चैप्टर नंबर 9, मध्यकालीन इतिहास लेखन अरबी और फारसी। देखो ये वाला भी चैप्टर कुछ खास नहीं है, इसके अंदर में जैसे आप यहाँ पे पश्चिम की बात कर रहे थे, यूरोप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम अरब की बात करने वाले कि अरब के अंदर में इतिहास लेखन किस प्रकार की थी, अरब की इतिहास लेखन परंपराएं किस प्रकार की थी। तो जो अरबी इतिहास लेखन परंपराएं हैं, अरबी और फारसी इतिहास लेखन परंपराएं हैं, उसकी कुछ खास झलक हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। परंतु जब ये अरबी इतिहास लेखन वाले जब भारत के अंदर में आते हैं तो उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, कई सारे यात्रा वृत्तांत लिखे, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया, तो वो हमें यहाँ पे देखने के लिए जरूर मिलता है। तो आप उसको थोड़ा सा रफली पढ़ लीजिएगा, अरबी और फारसी इतिहास लेखन विधि क्या है, कोई सा भी अगर पढ़ते हो, पश्चिमी पढ़ते हो, अरबी पढ़ते हो, तो थोड़ा बहुत आपको मेन कंटेंट याद रखना है कि क्या चीज़ें इसके अंदर में है, उसके बाद आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। जैसे पश्चिम वाले में मैंने बताया आपको कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आपको बता रहा है, तो अगर इसी तरह से अगर ये पॉइंट कवर कर लोगे ना तो आपके माइंड में ये पॉइंट रहेगा ना, तो आप उसके ऊपर बनाकर भी लिख पाओगे, जिसके बेसिस पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, मध्यकालीन इतिहास लेखन इंडो पार्शियन, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इंडो पार्शियन इतिहास लेखन विधि क्या है, किस तरह से इंडो पार्शियन इतिहास लेखन लिखा गया, लिखने का तरीका क्या था, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ों को कवर किया गया, ठीक है, क्या कितना विस्तृत था, ठीक है, उसको यहाँ पर आपको बताना है, इंडो पार्शियन इतिहास लेखन, ठीक है, समझ में आता है। एक लास्ट चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट का, चैप्टर नंबर 11, स्थानीय इतिहास। स्थानीय इतिहास की बात करोगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार टिप्पणी बेसिस पे भी आ जाता है और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। टिप्पणी बेसिस पे क्या आएगा कि मौखिक इतिहास क्या है, सिंपल सा एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है मौखिक इतिहास का। देखो कोई भी आपके नाना नानी दादा दादी जो है बहुत बार बचपन में आपको किस्से कहानियाँ सुनाए होते होंगे कि एक राजा था, एक रानी थी, ठीक है, एक राजा थी, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी,
ठीक है, तो इस तरह की कई सारी आपने कहानियाँ सुनी होगी। वो कहानियाँ क्या लिखित बेस पे सुनाई, क्या आपके दादा दादी ने नाना नानी ने? नहीं सुनाई ना, मौके के आधार पर सुनाई। ठीक है, आपने उसको एज्यूम किया, ठीक है, आपने उसको सुना। तो उसी तरह से कई सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने मौखिक को ज़्यादा महत्व दिया, मौखिक आधार पर इतिहास लेखन किया। ठीक है, मौखिक आधार पर चीज़ों को बताया कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी, ऐसे हुआ था। ठीक है, तो वो चीज़ें रहती है। तो मौखिक इतिहास लेखन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इतिहास लेखन दो तरह का हो गया, मौखिक इतिहास लेखन और लिखित इतिहास लेखन। तो यहाँ पे लिखित की हम बात नहीं करते, वहाँ पे अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं। किस तरह के पार्ट में बढ़ते हैं तो वो हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। देख थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ, तो जैसे अनाल स्कूल हो गया, मार्क्सवादी परंपरा हो गया, प्रत्यक्षवादी परंपरा हो गया, ये इतिहास लेखन के तरीके हो गए। ठीक है, ये समझ में आता है? तो ये यूनिट के अंदर में आपको क्या समझ में आया, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस यूनिट के अंदर में, आप कमेंट करके बताइए। कौन सा क्वेश्चन आपके हिसाब से मैंने छोड़ दिया है, मुझे कराना चाहिए था इस यूनिट के अंदर में पर्टिकुलर, आप मुझे बता सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए हुए, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर वहाँ पर दे दूंगा। एंड फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद ही मैं यूनिट 4 की वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।